अभिनंदन करती हूँ। राम चौपाल आज ही के दिन पिछले साल माननीय मुख्यमंत्री ईश्वर प्रसाद मौर्य द्वारा शुरू किया गया और इसके माध्यम से जो गांव की समस्याएं थी वो काफ़ी हद तक उनका निराकरण भी उसी गांव में किया गया और सरकार स्वयं वहां पे उपस्थित हुई सभी अधिकारीगण। पहले क्या होता था कि जो लोग होते थे जो गांव के जो लोग होते थे वो अधिकारियों का चक्कर लगाते रहते थे कि हमारी ये समस्या है, चाहे राशन कार्ड से जुड़ी समस्या हो, चाहे शौचालय से, या किसी का आवास नहीं मिल रहा हो, या किसी किस्त रुक जाती है किसी कारणवश, तो स्वयं अधिकारी वहाँ पे उपस्थित हुए और उनका उन्होंने निराकरण भी किया। और अभी CDO साहब ने बताया कि 11,635 समस्याएं अच्छे से पहुँच नहीं पाती क्योंकि जागरूक नहीं है वो लोग। और अब ये जो विकसित भारत संकल्प यात्रा भी इस समय हर ब्लॉक के दो गांव में पर डे चल रहा है और हम लोग सभी लोग वहां पे जाते हैं, तो हम लोगों ने स्वयं अनुभव किया है कि कितनी समस्याएं हैं। और आज ग्राम चौपाल जो माननीय उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य जी ने एक साल पहले आज ही के दिन शुरुआत की थी, आज उसी के संदर्भ में एक साल पूरे होने के संदर्भ में ही आज यहाँ पे कार्यक्रम किया गया। और जैसा कि CDO साहब ने बताया कि 1635 समस्याएं प्राप्त हुई और उन्होंने गांव में ही लगभग 11,000 समस्याओं का समाधान भी किया। इसके लिए मैंने सभी अधिकारियों को, विभाग से जुड़े हुए अधिकारियों को धन्यवाद दिया क्योंकि इनकी उपस्थिति वहाँ पे बराबर सभी लोगों की हुई, तभी समस्याओं का समाधान भी हुआ। और सरकार अब स्वयं गांव में चलकर जा रही है और लोगों को चक्कर नहीं लगाने पड़ रहे हैं अधिकारियों की, जो भी समस्याएं हैं समस्याओं का समाधान उसी गांव में, उन्हीं के गांव में जो चौपाल हो रही है वहीं पे किया जा रहा है। और इसके लिए मैं माननीय उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य जी का धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने ऐसे कार्यक्रम के माध्यम से जो ग्रामीण अंचल में जो महिलाएं हैं चाहे पुरुष हैं उनको रख करके, उनको आगे रख करके उन्होंने यह कार्यक्रम चलाया। ग्राम चौपाल का मुख्य उद्देश्य क्या है? मुख्य उद्देश्य ग्राम चौपाल का यही है कि जो प्रधानमंत्री जी की जो सोच है कि हमारे चाहे मुख्यमंत्री जी की जो सोच है कि केंद्र सरकार की चाहे जो योजनाएँ हैं, चाहे राज्य सरकार की जो भी योजनाएँ हैं, ग्रामीण के जो लाभार्थी हैं जो किसी कारणवश पात्र हैं लेकिन उनको लाभ नहीं मिल पाया है, उन तक उन योजनाओं का लाभ पहुँचे। देखिए ये 15 नवंबर एक साल पूरा हो गया है लेकिन इधर बीच विकसित भारत, आप लोगों ने कार्यक्रम सुना है, विकसित भारत संकल्प यात्रा भी चल रही है और पर डे हम लोगों का उन कार्यक्रम में जाना हो रहा है और मुझे लगता है कि काफ़ी हद तक लोगों की समस्याएं दूर हो रही हैं इस कार्यक्रम के माध्यम से।